और मानजोग गवर्नर साहब ने सानू परमिशन दिती गई। जो तो साड़ी कैबिनेट ने पंजाब सरकार की कैबिनेट ने सरदार भगवंत सिंह मान जी ने मुख्यमंत्री साहब ने मानजोग गवर्नर साहब लैटर भेजा कि सानू असी सैशन करवाना गा असी कन्फिडेंस का मोशन लैके आना गा तो मानजोग गवर्नर साहब ने रूलों के तहत परमिशन जी कन्वेंशन के तहत रवायतों के तहत परमिशन जी ग्रांट की और कल तीन जड़े बीजेपी के खासम खास व्यक्ति से जिन्हें कहू कांग्रसी ने पर सारे है बीजेपी के बंदे उन्होंने तो एप्लीकेशन लैके कल जोड़ा सैशन अच्छ होना मानजोग गवर्नर साहब ने रद्द किया। दिन दिहाड़े लोकतंत्र का कतल किया, दिन दिहाड़े संघी ढांचे को तोड़न का यत्न किया, दिन दिहाड़े लगातार मैं समझना जोड़ा हिस्टोरिक मतदान पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी के हक दिता सीगा उन्हें एक सिलेक्टेड बंदे ने रद्द करने की कोशिश की है। पंजाब के लोगों ने भारी बहुमत के नाल नुमाइंदे चुने ने गे आम आदमी पार्टी ने चुनिया गा बीजेपी रिजैक्ट किया गा कांग्रेस पार्टी रिजैक्ट किया गा अकाली दल रिजैक्ट किया गा हूँ मैं समझना चोर दरवाजों बीजेपी पंजाब से राज करना चाहती है। बीजेपी जी संघी ढांचे को तहस नहस कर रही हैगी। बीजेपी जी देश के लोकतंत्र के लिए अच्छ बहुत बड़ा खतरा बनी हुई है। जिथे सरकारा है नहीं उथे गवर्नर साहब के राही उत्थे जो राज्यपाल ने गए उन्होंने राही सरकार करा सरकार चलाने का यत्न किया जा रहा है और पंजाब के होया एक कन्वेंशन आ। मैं तुम्हें दस दया कि जिन्ना स्टेटा किसी ना किसी कारण विधानसभा चलाने जेकर कोई रूल है नहीं जेकर कोई किताब च नहीं लिखा होया रूल बुक च नहीं लिखा होया कि किस तरह विधानसभा चलानी आ या विधानसभा का कोई काम कार करना गा तो उत्थे विधानसभा देश की पार्लीमेंट को फॉलो कर दी देश दिया सब ज़्यादातर जोड़े सूबे ने गए जो ज़्यादातर विधानसभा ने गिया वो पार्लीमेंट को फॉलो कर दिया ने गिया और हुण तक देश की पार्लीमेंट के 12 बार 12 टाइम जोड़ा है मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस पेश होगा देश की पार्लीमेंट देश की पार्लीमेंट ऑन रिकॉर्ड है मेरे को ऑन रिकॉर्ड जोड़ा 12 बार पेश हो उस कन्वेंशन उस रवायत को मानते हुए पहला मानजोग गवर्नर साहब ने परमिशन ग्रांट की दिती और उस बाद केंद्र सरकार ने लोकतंत्र का कतल किया बीजेपी ने लोकतंत्र का कतल किया। यह हिस्टोरिक मैं समझता ब्लैक डे सीगा इतिहासिक काला दिन लिखा गया कल जो मानजोग गवर्नर साहब ने यह ऑर्डर पास किए ऑर्डर की एडवाइस से पास किए इंडिया के एडिशनल सोलिसिटर जनरल की एडवाइस के उत्ते जेडे कि बीजेपी द्वारा लाए गए हैं वो जो बीजेपी के सबका मैंबर पार्लीमेंट रहे चंडीगढ़ तो उन्होंने राय के उत्ते जे अज देश के जी सा सर्वोच्च संस्था की एडिशनल सोलिसिटर जनरल ने गए उन्होंने सलाह ली गई पंजाब सरकार के मानजोग गवर्नर साहब पंजाब के गवर्नर ने गए पंजाब गवर्नर ने गए उन्होंने सलाह की दी ली आ दिल्ली के एडिशनल केंद्र सरकार के एडिशनल सोलिसिटर जनरल की पंजाब के एडवोकेट जनरल के ऑफिस इग्नोर किया गया ए जी के ऑफिस इग्नोर किया गया जिहड़ा ए जी का ऑफिस पंजाब के रोजमर्रा के पंजाब सरकार के जिन्हें भी केस चलते हैं सरकार के उत्ते सरकार के बिहाफ के उत्ते सारे कौन डिफेंड करता गा पंजाब के लोग जानते हैं कि एडवोकेट जनरल करता गा एडवोकेट जनरल के ऑफिस की रह लैण की बजाय केंद्र सरकार के ऑफिस की रह ली गई केंद्र सरकार के बीजेपी के ऑफिस की रह ली गई क्योंकि पंजाब जो लोकतंत्र का कतल करना सी डेमोक्रेसी का कतल करना सी उहदे लई साजिश जिहड़ी आ इन्हां लोगों ने बैठ के इत्थे रली जिहड़ी रची गई सैशन इन्हां ने रद्द कर दिता और उस तो बाद असीं अज सवेरे सरदार भगवंत सिंह मान जी मानजोग मुख्यमंत्री साहब की अगवाई दे विच पंजाब की विधानसभा के अंदर 92 MLA ने इकट्ठे होए मीटिंग की मीटिंग करने तो बाद पंजाब की कैबिनेट ने कैबिनेट की मीटिंग हुई और उस कैबिनेट की मीटिंग के असी फैसला किया गा कि 27 तरीक न पंजाब विधानसभा का सैशन होना गा मंगलवार को पंजाब विधानसभा का सैशन सद्या गया गा कैबिनेट का फैसला होया गा और उस सैशन के पंजाब के बहुत सारे मुद्दे बिजली का मुद्दा होर बहुत सारे मुद्दे बहुत सारे जो एक्ट ने गए वो सारे लेके आते जाएंगे ताकि असी समय सर क्योंकि पंजाब के लोगों ने सानू सरकार इसलिए बनाई है कि असी पंजाब के लोगों के काम करिए सो 27 तरीक नूं पंजाब विधानसभा का सैशन सद्या गया गा और इस तो बिना जिहड़ी सवेरे मीटिंग हुई सी उस मीटिंग दे विच फैसला होया गा कि असी आम आदमी पार्टी जिहड़ा मानजोग गवर्नर साहब ने केंद्र दे ऑन बिहाफ ऑफ द बीजेपी पार्टी जिहड़ा फैसला किया गा कल जिहड़ा गैर कानूनी फैसला किया गा उहनूं असी देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के चैलेंज करांगे देश की सर्वोच्च अदालत असी चैलेंज करांगे और आ सैशन जिहड़ा असी कीता गा और मैं समझदा गा कि बीजेपी जिहड़ी आ वो अज देश के संघी ढांचे लई इक बहुत बड़ा
खतरा बन के खड़ी आ। अज साफ आ, देश के सामने तस्वीर साफ आ। एक पासे आम आदमी पार्टी आ जिहड़े देश के संघी ढांचे की सुरक्षा कर रही आ, एक पासे बीजेपी आ जिहड़ी लोकतंत्र की कातल जमात बनी हुई आ, जिहड़ी लोकतंत्र का लगातार मर्डर कर रही आ, आ दूजे पासे कांग्रेस आ। कांग्रेस पार्टी के प्रधान जी ने जिहड़ा भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, उहदे विच जिहड़ियां रीसेंटली जिहड़ियां हुणे आउण वालियां गुजरात ते हिमाचल दीआं चोणां ने ना, गुजरात ते हिमाचल दीआं चोणां, वो भारत जोड़ो यात्रा वो स्किप कर गए। उन्हां सूबिआं ते जा रही भारत जोड़ो यात्रा ना गुजरात जा रही आ ना हिमाचल जा रही है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को सिलेंडर किया होया गा। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेतावां के खिलाफ ईडी की जांच CBI की जांच चल रही हैगी। सो इस गल करके कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के सामने सिलेंडर किया गया। जिहड़े सूबिआं दे विच आउण लई चोणां नेगे, चाहे गुजरात आ चाहे हिमाचल आ, उन्हां विचों कांग्रेस पार्टी बाहर हो रही आ, क्योंकि उत्थे उन्हां सूबिआं दे लोग, देश दे लोग अज कांग्रेस पार्टी नफरत दी अखरां देख रहे नेगे। यही कारण आ कि जिस दिन का असीं फैसला किया स्पैशल सैशन बनाउण दा, उस दिन तों लगातार कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे, कांग्रेस पार्टी के लीडर ऑफ द अपोजिशन, कांग्रेस पार्टी दूजे नेता, अकाली दल के नेता लगातार बीजेपी के बतौर स्पोक्सपर्सन, लगातार बतौर स्पोक्समैन बीजेपी की गल कर रहे हैं। गल अपनी पार्टी की करनी चाहिए सी, अपनी पार्टी का स्टैंड रखना चाहिए सीगा, पर लेकिन वो बीजेपी की बोली बोल रहे हैं। क्योंकि सारे कांग्रेस पार्टी के, मैं तुहाडे सामने खुलासा कर दाँगा कि इस ऑपरेशन लोटस के तहत, इस ऑपरेशन लोटस के तहत बहुत सारे कांग्रसी, बहुत सारे कांग्रसी जिहड़े सी उन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली सी। उन्होंने हत्था पैरों की पै गई, उन्होंने हथ पैर फुल गए कि साडा जिथे आम आदमी पार्टी की सरकार ने ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, साडे तो पैसे चले गए, साडा तो दाह चलिया गया, क्योंकि बड़े बड़े अहुदे कांग्रेस पार्टी के MLA ने भी ऑफर किए थे। लीडर ऑफ द अपोजिशन जो होर तमाम नेता जाके गवर्नर साहब को लैटर दे के आते हैं, ता ही जाके वह बीजेपी के बतौर स्पोक्सपर्सन पंजाब गल कर रहे हैं। क्योंकि सारे तरलो मच्छी ने, आने वाले समय के देखोगे कि पंजाब के जी बची खुची, जी माड़ी मोटी बची खुची कांग्रेस आ, वो पंजाब चो खत्म होनी है, जिमें देश चो खत्म होगी। और उस तरह मैं समझता जी कांग्रेस पार्टी वो पंजाब चो भी खत्म हो रही है, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस पार्टी का कोई नाव लैन की बचना है, बहुत सारे ने पहले ज्वाइन कर ली, बहुत सारे रेडी ने, और बहुत सारे जोड़े ने कांग्रेस पार्टी की बोली बोल रहे हैं। सो असी अज की इस मीटिंग में फैसला किया सवेरे मानजोग सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगुवाई के, एक तो जोड़ा फैसला मानजोग गवर्नर साहब ने दो कांग्रसी एक BJP की सांझी एप्लीकेशन से लैके ये जोड़ा गैर संविधानिक काम किया गा, गैर कानूनी काम किया गया, असी देश की सर्वोच्च अदालत के चैलेंज करा और असी उत्थे जाके केस जोड़ा है बिहाफ ऑफ पंजाब, पंजाब के लोगों के राही केस लड़ांगे। और दूजा 27 तरीक न असी विधानसभा का स्पैशल सैशन सद्या गया, पंजाब के सारे मसले विचारे जाएंगे। बिल्कुल, बहुत सारा बिजनेस जोड़ा है वो मानजोग स्पीकर साहब तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जी BSE डिसाइड करेगी कि कि बिजनेस जोड़ा असं उस लैके आना गा, पर लेकिन उस बिल्कुल साफ आ कि पंजाब के पानी के बिजली के होर बहुत सारे जो काफ़ी सारे बिल से पेंडिंग पे लैके आते जाए। नहीं, जब सैशन होता है, सैशन होने के बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है। कोई भी सैशन हो, सैशन के आगाज से पहले, सेशन की शुरुआत से पहले, जब सेशन होता है उसके पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है। उस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जितना बिजनेस होता है वो लेके आना पड़ता है, वो उस फ्लोर पे रखना पड़ता है, बस जो हमारे मानजोग स्पीकर साहब उनसे डिस्कशन होती है। सो इन्होंने तो पहले ही उसको रद्द कर दिया। सो बिल्कुल, जब हमारा जितना बिजनेस होगा, सरकार का जितना बिजनेस जाएगा, उस पर मानजोग स्पीकर साहब और बिजनेस एडवाइजरी के कमेटी के मेंबर साहबान उस पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद जो भी पास होगा वो सदन में उसको प्रेजेंट किया जाएगा। देखिए, जो बिजनेस कमेटी में सरकार उस पर जो जो आने वाले काम होंगे वो बिल्कुल उसमें रखेंगे, जो बिजनेस कमेटी में उस कमेटी में रखेंगे, उस कमेटी में जब कमेटी की मीटिंग होगी उसमें कौन कौन सी चीज आने वाली है उसमें सब कुछ। सैशन बिल्कुल पहला तो सिंगल डे रखा गया, जेकर बिजनेस ज्यादा हो गया ये डिपेंड करता हूँ सिटिंग के उत्ते, जेकर एक सिटिंग के बिजनेस कंप्लीट हो गया तो एक सिटिंग चलूगा, जेकर ना हो सकया तो वो डेट जी बताई जा सकती। FIR दर्ज कराई जाती है अणपछात्यां के खिलाफ, पर इल्जाम लगाए जाते हैं BJP के उपर, तक कोई लीडर नहीं आइडेंटीफाई हो सकता हाले तक भी कौन सी, क्योंकि नंबर जिस तरीके MLA के बयान सुने इंडिया के नंबर से, और इंडिया के नंबर तुम्हें भी पता कोई लभने औखे तो है नहीं, प्लस करने वाले नंबर 5 मिनट किसी कंपनी ने कुछ है सरकार कट के दिता। देखो, ये काम जो कह रहे हो कि असी नंबर आइडेंटीफाई करिए, उस नंबर तो फोन कोई दोस्त की नाते कोई
फोन नंबर जिहड़ा हैगा लै लवे और उस तो बाद उन्हें महसूस कर लवे असीं तुहानूं नोमीनेट कर दिए बाद दे जाके दोषी कोई होर नहीं है जिहड़ा इन्वेस्टिगेशन दा विषय हैगा इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी आ गोइंग ऑन आ जिन्नियां भी पार्टियां पंजाब च नेगियां उह सारियां बीजेपी की बोली बोल रही सब नूं पता गा कि उन्होंने पले कख नहीं गा बीजेपी की शरण चाके बैठे हुए जिन्होंने करप्शन की भी बीजेपी की शरण चाके बैठे हुए मैं दोबारे दोहरा रहा कि जी भारत जोड़ो यात्रा उहदे विचों हिमाचल प्रदेश ते गुजरात जिहड़ा हैगा उहदे नक्शे ते है नहीं सो कांग्रेस पार्टी दा इन्ना सरेंडर कर चुकी है थैंक यू जी।